बोल भाई, सब जगह तलाश किया, लड़की कहीं नहीं मिली। मैं उसके हॉस्टल में आया हूँ, वो यहाँ भी नहीं है। पता नहीं कहाँ छुप गई है। कहाँ है तेरी लड़की? 3 दिनों से उसका कोई पता नहीं, ये भी नहीं मालूम वो ठीक भी है या नहीं। खूसट, तेरी बेटी वीरू भाई को भाग गई है। तू जानता है वो कौन है? सारा माफिया उनके इशारों पे ही चलता है, उनकी इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। और समझाओ या तू समझ गया? साहब, मैं तो एक मामूली इंसान हूँ, वीरू भाई के सामने मेरी क्या औकात। तकदीर अच्छी है तेरी लड़की की जो वीरू भाई को पसंद आ गई। जल्द से जल्द भेज दे, अगर नहीं भेजा तो हम उसे ऊपर भेज देंगे। वीरू भाई के आदमी तुम्हें हर जगह तलाश कर रहे हैं, अगर वो तुम तक पहुंच गए तो हम क्या करेंगे बेटा? बेटा, तुमने कहा था किसी लड़के से प्यार करती हो, वो भी तुमसे उतना ही प्यार करता है। बेइंतहा प्यार करता है। तुम उस लड़के के साथ भाग जाओ बेटा, वीरू की पहुंच से दूर, हमारी फिक्र मत करना। मुझसे बात करने के लिए तुम्हें अब जाके वक्त मिला? अभी कहाँ हो तुम? घर के बाहर इंतजार कर रही हूँ। तो कोई तुम्हें इतने दिनों से परेशान कर रहा है और ये तुमने मुझसे अब तक छुपा कर रखा, जान सकता हूँ क्यों? वाकई मुझसे प्यार करती हो या उससे डर लगता है इसीलिए शादी कर रही हो? चलो आओ, मैं भी देखता हूँ। पर जाना कहाँ है? तुम पे बुरी नजर डाल के उसने गलती कर दी, उस गलती का अंजाम भुगतना होगा। नहीं अर्जुन, प्लीज रहने दो, मेरी मानो तो इस झमेले से दूर रहो। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? भाई, खबर मिली है कि उसका एक आशिक भी है और वो दोनों फरार होने के चक्कर में है। उस लड़की को इधर लेके आओ। तो वो तू है जो दीपाली के पीछे पड़ा है? इसे ले जाना है ना, जा लेके जा। अरे लेके जा अर्जुन। अच्छा।
ज्यादा इन सबसे दूर रहो। क्यों मेरी मुश्किलें और बढ़ाना चाहते हो? मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। जब तक हम साथ में हैं, मैं कुछ भी सह सकती हूँ। I love you. मुझे इस शहर में नहीं रहना है, मुझे कहीं और ले चलो प्लीज। अब तो खुश। बाय टप्पो बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। छोकरा छोकरी हैदराबाद जाने वाली बस में बैठे। तूने खुद ही अपनी बेटी को भागने में मदद की ना? मैं अपनी बेटी के लिए जान तक दे सकता हूँ, समझे? इंस्पेक्टर। हुकुम भाई। मियाँ और बीवी में आपसी तकरार हुई और उन्होंने एक दूसरे की जान ले ली। कल के अखबार में खबर होनी चाहिए। शेरू। हाँ भैया। वो लड़की बेवफा निकली और उसके आशिक से मुझे बेइंतहा नफरत है। वो शहर छोड़ रहे हैं, समझ गया ना? अच्छी तरह। मेरी मोहब्बत किसी और के साथ हो, ये मुझे मंजूर नहीं। बस उस तरफ आ रही है भाई। चलो दिमारी निकलो। अर्जुन नहीं। ए, कौन है तू? बस करो। क्या हो रहा है? हट। अर्जुन। बस को आग लगा दे। कल रात हुए इस हादसे में कई लोगों की जान गई। हे, इसकी सांसें चल रही हैं। हालत तो खराब है। डॉक्टर सीमा को तुरंत बुलाओ। आपने मरीज को देखा? जी देखा। उसका आधा चेहरा जल चुका है डॉक्टर। उसका बचना नामुमकिन लग रहा है। उसके चेहरे की त्वचा के साथ साथ उसके अंदर के टिश्यूज भी जल गए हैं। उसकी हालत बहुत खराब है। यहाँ तक कि उसकी आवाज भी चली गई है और उसके पूरे शरीर पर कई सारे घाव भी हैं। ये तो हादसा था ना?
पर उसमें कोई भी नहीं बच पाया। ताज्जुब की बात तो यह है कि वो कैसे बच गया। वो जिंदा रहना चाहता है, अभी भी उसमें जीने की तमन्ना है। वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा। तुम कौन होते हो फैसला लेने वाले, जब ऊपर वाले ने उसे जीने का मौका दिया है। पर वो इस वक्त कोमा में है डॉक्टर, और ना ही अब तक उससे कोई मिलने आया है। अगर उसकी जान चली गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं लूंगी उसकी जिम्मेदारी। जिंदगी पर तुम्हारा कोई हक नहीं, मेरा हक है। मैंने तुम्हें नया जन्म दिया है, समझ में आया? प्लीज कैची दो। खोलो। जिंदगी में कभी इतना हैरान नहीं हुए होगे जितना अब होगे। तुम्हारा आधा चेहरा जल चुका था, तुम्हारी सांसें चल रही थी। तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अगर उसे कुछ हो गया तो तलाश करो, मुझे किसी भी कीमत पर वो चाहिए। आशियाना सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी है।
यो जनाब पढ़ नहीं पा रहे हो क्या? घर की बिक्री हो चुकी है, तुम निकल लो। गांव बसने से पहले भिखमंगे चले आते हैं, वही हो रहा है इस घर के साथ। आप ही का नाम अर्जुन है क्या? नहीं अर्जुन नहीं है, अर्जुन के मौसी के लड़के के ननंद का साला हूँ। जो काम है वही हूँ, अब ज्यादा तहकीकात मत कर। इतनी छोटी बात पे नाराज हो गए? नाम पढ़कर ऐसे लगा जैसे कोई खुसट बूढ़ा होगा, लेकिन आप तो जवान और तंदुरुस्त हो। अरे बिक्री हो गई है, क्यों आए आप तू? मैं अर्जुन का दोस्त। गलत चीजें गलत दिन और गलत समय पे आ जाती हैं। इसे मैं नहीं कह सकता कि मैं अर्जुन हूँ, पता चला तो बहुत मारेगा। मरम्मत के भी पैसे नहीं है। नहीं बेचना तो निकलूं मैं? हाँ निकल जा, देखते नहीं हमारा लंगोटिया यार आया है, करण का अर्जुन आया है, निकल ले। ठीक है, अगली बार मुंह धो के आना। कीमती वक्त बर्बाद किया। अंदर आओ। अपना नाम बताओ। राम। अब मेरी तारीफ, मैं अर्जुन का मामा, उसे पैदा करने के अलावा पाल पोष की परवरिश मैंने की है। मुझे देखकर उसका पैखाना निकल जाता है। ये कोई मुगल सराय नहीं और तू कोई मुगल नहीं जो बिन बादल बरसात की तरह चला आए। आज तू यहाँ पे अपना डेरा जमा सकता है, लेकिन अगर दो दिन के बाद तूने कोई नाफरमानी की तो यहाँ से भगा दूंगा। ओए, वो हमारा कमरा है, तुम अपना डेरा वहां डालो। अरे कानपुर में हड़ताल है क्या? लगता है इस घर की बनावट में इसका हाथ है। अंधेरी कमरे के बारे में पता होता तो उस दड़ियल से ज्यादा पैसे मांगता। अर्जुन ने तुझे इस कमरे के बारे में भी बता दिया, औरतों की तरह उसके पेट में भी कोई बात नहीं रहती। तू भाड़े पे रहने आया था या हमेशा के लिए इस घर में बसने? चार लोगों को मारने आया हूँ। वो लड़की मेरी चुंगल से भाग गई। वो भाग गई, तेरे को मजा आ रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, बोलना, जाके पता लगा उसका। पीछा कर रहा है, उस दरिंदे से मुझे बचा लो प्लीज। वैसे ये वीरू के गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े? दिखता नहीं मैं कितनी खूबसूरत हूँ? क्या हो? हसीन हूँ, जवान हूँ। वो मुझे इतना हैंडसम लगा कि उसे देखते ही मैं फिदा हो गई। भाई तौलिया। शुक्रिया। वाह, आप कितने फिट हैं सर, आप कितने अच्छे लग रहे हैं। एतराज ना हो तो एक फोटो खिंचवा लूं प्लीज? बेशक। ए मैगी बालों वाले, फोटो खींचना। शुक्रिया देवा, ये लड़की मुझे चाहिए। बस उसी दिन से मेरा जीना हराम कर दिया है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? जब से वो मेरे पीछे पड़ा है कोई भी स्मार्ट लड़का नजर उठाकर देखता ही नहीं। उसने घर पर आकर मेरे माँ बाप को जान से मारने की धमकी भी दी। अब मैं चलती हूँ, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। धमकी देने फिर आ धमके तो?
अगर आ गए तो कोई बात नहीं, ऐसे ही भागती रहूंगी, उनसे चिपती रहूंगी और क्या। अगर वो लोग फिर से आए तो कह देना तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। कहा ना, मेरी तरफ कोई लड़का नहीं देखता। समझ गई मैं तुम्हारा इशारा। बॉयफ्रेंड बनोगे तो मुझे रोज डेट पे ले जाना होगा। पर एक बात बता देती हूँ, मैं जहाँ भी जाऊंगी वो मक्खी की तरह मेरा पीछा करेंगे। वो ऐसा करें यही तो चाहता हूँ। वैसे लाइफ में तुम्हें करना क्या है? मैं तो बस एक हीरोइन बनना चाहती हूँ। हीरोइन बनना है? क्यों, हीरोइन जैसी नहीं दिखती? दिखती हो ना, वैसे भी आजकल फिल्मों में खूबसूरत हीरोइंस की कमी है। घड़ी में अभी 11 बजे हैं। क्यों? अब देखना इस काली गाड़ी में से एक कौवा पंख फड़फड़ाते हुए बाहर निकलेगा। अब एक बड़ा सा हबशी मुंह चलाते हुए गाड़ी से बाहर निकलेगा। अब इनके पीछे भेड़ बकरियां भी होंगी। भाई, उसके साथ तो उसका आशिक बैठा हुआ है। आशिक हो, भाई हो, जो भी हो, जा उठा के ले गया। पर उसका आशिक अपनी तरफ आ रहा है। ए हीरो, तेरी तारीफ। उस छोकरी को कैसे जानता है? मैं उसे कैसे भी जानूं? तूने अभी तक मुझे जाना नहीं है। ये क्या बोला? ये उस लड़की से प्यार करता है। ए, जानता है किससे उलझ रहा है? पता है मैं कौन हूँ? देवा, देवा भाई का आदमी हूँ मैं। सबूत क्या है? सबूत मांग रहा है? ए, मेरे सामने तेरी औकात ही क्या है जो मुझसे सबूत मांगने निकला है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। चल देवा को कॉल कर, मैं उससे बात करता। देवा भाई तेरे जैसे अरे गहरे से बात नहीं करते, समझा? मेरे पे क्यों हाथ साफ किया? तेरे पे नहीं यार, देवा पे किया। समझा नहीं? तू मेरा मैसेज उन तक पहुंचा दे, एरो गैरों से बात नहीं करते ना। ऐसा है तो ठीक है, अगर मुझे मारा होता ना तो मैं तेरे। क्या यार, ये तो मुझे बहुत हल्के में ले रहा है। अरे रो क्यों रहे हो, देवा भाई को कान के नीचे बजाया है ना। तू इससे ज्यादा स्मार्ट लगता है। चल देवा ना सही, तू आ जा, कुछ खिलाता। नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ, अकेले में और मारा तो। एक काम कर, तू देवा भाई से सीधा बात कर ले। बोल, क्यों फोन किया? भाई इधर एक लड़का है, बोलता है छोकरी का आशिक है और आपसे बात करना चाहता है। उसको बोल तेरे से बात हो गई तो देवा से बात हो गई। अब भाई को क्या बताऊं कि इस बात पर मैं पहले ही पिट चुका हूं। अरे भाई ये सुनने को तैयार ही नहीं है, बोलता है सिर्फ आपसे ही बात करेगा। एक बार कर लो ना बात। हाँ बोल देवा। नेटवर्क कम है, फिर से बोल। होशियारी मत दिखा, देवा भाई बोल रहा हूँ। अरे यार सिग्नल बहुत वीक है। तेरे कानपुर में हड़ताल है क्या? तू चिल्ला क्यों रहा है? शायद तू बहरा होगा पर मैं नहीं। कोई भी उठ के कहेगा मैं देवा हूँ, मैं देवा हूँ, और मैं यकीन करूँ? साबित करके दिखा तू ही देवा है। सबूत क्या है? इसने तो भाई की भी बोलती बंद कर दी। तेरी इतनी हिम्मत, देवा भाई से सबूत मांग रहा है? आज जरा जल्दी में हो, हम लोग कल मिलते हैं। टाइम एंड प्लेस बाद में इन्फॉर्म कर दूंगा। ए, सुन, कौन था ये? दो दिन की मोहलत दी थी, एक दिन पूरा हो चुका है, कल यहाँ से उड़न शुरू हो जाना वरना मुझे खा जाओगे। हाँ वो भी कच्चा। तूने कहा था कि चार कत्ल करने आए, कितनी मक्खियाँ मारी तूने? गीदड़ भपकी दे रहा था। अभी एक को मारने जा रहा हूँ। अच्छा, उसकी तारीफ। Excuse me. इसे मेरी शक्ल देख के पता चल गया कि मैं लल्लू हूँ। हम यहाँ क्यों आए हैं? एक दोस्त यहाँ मिलने आएगा इसलिए। कौन सा दोस्त? उसी का फोन है, एक मिनट। हाँ ठीक है। हेलो। ए, देवा बोल रहा हूँ, तुझे मुझसे मिलना था ना, लो मैं आ गया। उसके पास कोई काम नहीं है, मेरे एक बुलावे पे आ जाएगा। ए, यकीन नहीं हो रहा, पीछे मुड़ के देख, मैं आ गया हूँ। मैं फालतू लोगों से बात नहीं करता, देवा को बोल मुझे उससे मिलना है। अबे रुक वहीं पर। ए, कहाँ जा रहा है? कहाँ छुप गया बुजदल? मैं आ गया हूँ, अब क्यों बाहर नहीं आता? तू है कौन? शकल तो दिखा अपनी।
अरे तो किसका आदमी है, किसके लिए काम करता है, मुझे क्यों ऐसे बांधा है? 10 महीने पहले ठीक रात 10 बजे एक बस वाइजैग से हैदराबाद जाने के लिए रवाना हुई। उस बस में 2 प्रेमी थे, दीपाली और अर्जुन। लेकिन तुझे ये सब कैसे पता? क्योंकि मैं ही हूँ अर्जुन। उन्हें भी दर्द हुआ था जिनकी तूने जान ली थी। उस बेचारी ने क्या बिगाड़ा था जिसे तूने बेमौत मारा? सोच उसे कितना दर्द हुआ होगा। बात कर देवा, क्या हुआ तुम्हें? वीरू भाई मेरी जान बचा लो। किसने हिम्मत की? ये कौन है वो? ए, मुझे हर हाल में देवा चाहिए, ढूंढो उसे। मुझे छोड़ दो, मेरी जान मत लो। उस दिन मैं भी तेरे सामने इसी तरह गिड़गिड़ाया था ना, तूने दीपाली को छोड़ा। मुझे माफ कर दो। मेरी दीपाली को बहुत तड़पा के मारा था ना, आज मरते हुए तू भी उतना ही तड़पेगा। सफर सुहाना रहे। सफर कातिल बड़ा चालाक है, लगता है वो इसे मारने के लिए काफी वक्त से प्लान कर रहा था। पक्का कोई सनकी है, इसे मारने के लिए ना बंदूक का इस्तेमाल किया ना चाकू का, बिजली का झटका देकर मारा ताकि सबूत ही ना रहे। कातिल ने सुराग छोड़ा या नहीं? नहीं सर। पता नहीं उस कातिल की क्या दुश्मनी थी इससे कि इतनी बेरहमी से मारा है इसे, लेकिन इससे एक बात तो साफ पता चलती है। कौन सी बात? वो इसे आसान मौत दे सकता था बंदूक या चाकू मार के, लेकिन उसने इसे तड़पा तड़पा के मारा। वो बदले की आग में जल रहा है, पूरा शहर जला देगा। चल जा रे चल जा, हवा दे रे चल जा। कौन है? आ गए? खाली हाथ आए हो या टोल टैक्स लाए हो? ये पंगा भी तेरी तरह खामोश है। खुद की सलामती चाहते हो तो जाग जाइए, आपके चारों ओर कातिल घूम रहे हैं। आज की ताजा खबर, एक कत्ल ने पूरे शहर को झंझोर दिया। अबे दड़ियल, लोग जुर्म से नहीं तेरी आवाज सुन के डर जाएंगे। कत्ल किसी आम इंसान का नहीं हुआ, वीरू भाई का खास आदमी देवा मर चुका है। ए, 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 मर गया। ये खौफनाक कत्ल ना हुआ है चाकू से और ना बंदूक से, उसे बिजली के झटके से मारा। उस झटके ने उसका काम तमाम कर दिया। हो सकता है वो कातिल आपके घर में मौजूद हो, वायर के साथ खेल रहा हो ताकि आपकी जिंदगी के साथ खेल सके। उससे बचना है तो आप सोना ही मत। हो सकता है वो ख्वाब में ही आपको बंदूक या बम से उड़ा दे। वायर का लाल पीला तार आपको काला नीला बना सकता है, इसीलिए आज ही अपने घर की बिजली कटवा दीजिए और अंधेरे में ही रहिए। कहीं वो आपके ही घर में काले सोफे पर काले कपड़े पहनकर ना बैठा हो और आप ही अपनी मौत को पहचान ना पाए। अभी आप टीवी देख रहे हैं लेकिन कल आपके मरने की खबर लोग टीवी। ओ भाई साहब, आपने टीवी क्यों बंद किया? किसी हादसे से बचने के लिए। जनाब, मैंने छोटा मुंह और बहुत बड़ी बात कह दी, इस नामाकुल को नादान समझ के माफ कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं। कहाँ चल दिए? आपके इस शानदार महल में यह खादिम कहीं भी पड़ा रहेगा। कोई नहीं जानता मैं यहाँ क्यों आया। अच्छा, अगर किसी को मेरी खबर दी या इस घर से भागने की कोशिश की तो क्राइम स्टोरी का अगला एपिसोड तुम पे होगा। नहीं, मैं अनारकली नहीं हूँ जिसे आप दीवार में चुरवा देंगे। जनाब, मैं चलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? पैखाना, जाने दीजिए। बाल बाल बचा। एसीबी को शक है कि किसी को मुझसे ज्यादा दुश्मनी है। कौन हो सकता है वो? पता लगाओ। हेलो भाई, देवा का बंदा बोल रहा हूँ। बोल, क्या बात है? आपको जो लड़की पसंद आई थी मैंने उसका पता लगा लिया भाई, पर देवा भाई को मैं ये खबर दे पाता उससे पहले किसी ने उन्हें मार दिया। चलो, उस लड़की का मसला है, बात कर।
हाँ बोल। जगह बता। आज की सुर्खी पड़ी। देवा भाई मारा गया। अच्छा हुआ टपक गया, वरना किसी दिन मैं ही टपका देती। बचपन से ही ड्रामेबाज जो हूँ। तो एक्टिंग करोगी? एक्टिंग? अरे पिक्चर में हीरोइन बनोगी? नेकी और पूछ, एक बार मौका मिल जाए फिर चमक जाऊंगी। ठीक, तो फिर चमको। यहाँ पर डायरेक्टर जी। आप होंगे मेरे फिल्म के डायरेक्टर। सच में मैं बहुत नसीब वाली हूँ, मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। आपकी वो पिक्चर तो मैंने 50 बार देखी है सर। आपके उस फिल्म के हीरो ने अपनी ही बीवी का कत्ल करके अपनी गर्लफ्रेंड से शादी की थी। उसका डायरेक्टर जकूर घटवानी था, वो मैं नहीं। ओके 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 ओके। अच्छा तो वो पिक्चर आप ही की थी ना जिसमें 3 डायन मिलकर हीरो को थप्पड़ मारती है? वो भी मेरी नहीं थी, पोलसन घट्टी की थी। तो आपकी कौन सी फिल्म है? ये मेरी पहली फिल्म है, शायद आखिरी भी। तो आपने अपनी इस फिल्म के लिए किस हीरो को साइन किया है? इसका इल्म नहीं। हीरो पहुंच गया। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त व्यस्त। भाई अभी ये क्या है? गुलाब है। तेरी तो किसी ने दिल से दिया है। शे, पता नहीं आप में क्या देखती है, मैं तो कब से उसके पीछे पड़ा हूँ, मुझे भाव ही नहीं देती। कहती है 3 महीने पहले आपको देखते ही फिदा हो गई, मेरी तरफ देखती ही नहीं। लड़कियों की चॉइस इतनी गिर कैसे गई है ये? ए खजूर, क्या बोल रहे तू? हाँ वो लड़की आपसे प्यार करती है। राम उससे क्या बात कर रहा है? उसे उसका किरदार समझा रहा है। डायरेक्टर तो आप ही है ना? डायरेक्टर मैं ही हूँ, लेकिन प्रोड्यूसर वो है ना। तो मुझे कहानी कौन बताएगा? मैं कब काम आऊंगा, मैं समझाऊंगा। 30 साल पहले तुम्हारे हीरो का पुनर्जन्म हुआ है। 30 साल बाद तुमसे उसकी नजरें मिलेंगी। ओके। और लगभग 3 महीने शूटिंग करने के बाद हम लोग इसे 30 साल बाद रिलीज करेंगे। तुम तभी उससे अपने प्यार का खुलेआम इजहार कर लेना। वाह वाह सर, क्या बात है, क्या स्टोरी है, मजा आ गया सच में सर, काम करने में मजा आया। डायरेक्टर जी आपने कहानी तो समझा दी। हाँ, 30 साल बाद 30 साल पहले जैसा समझाया था वैसे ही समझा दिया। गुड श्रुति, अब एक्टिंग करनी है और किसी को भी ये नहीं लगना चाहिए कि तुम एक्टिंग कर रही हो। ठीक है। तुम चाहो तो इसे ऑडिशन समझ सकती हो, पर तुम्हारा काम पसंद आया तो इनकी हर फिल्म में तुम ही तुम होगी। क्यों सर? जैसा आप फरमाएं। आपके पांव कहाँ हैं? हीरोइन तो समझे, लेकिन हीरो कौन था उसके बारे में भी तो बताओ। वीरू का छोटा भाई। अब मैं उसी को मारूंगा, किसी को बताना मत। जनाब, किसी को बता के मरना है क्या? लेकिन मुझे इस दलदल से निकालो नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। हाय, असल में 3 महीने पहले जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, मेरा दिल, मेरी धड़कनें, मेरी सांसें, मैंने तुम्हारे नाम कर दी हैं। तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। और आज मैं इजहार करना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। भैया, वो लड़की आपको शायद उल्टा सीधा कहकर चली गई है, उसकी बातें दिल पर मत लीजिए। वैसे भी वो लड़की आपके काबिल नहीं है, मुझे तो वो वैसे भी पसंद है, मैं शादी करूंगा। चलता हूँ भैया। ए, उस लड़की पे आप उनका दिल आ गया है? हेलो डायरेक्टर सर, कल वाला सीन वाकई कमाल का था। ये कमाल क्या क्या धमाल मचाएगा किसी को पता नहीं, अगला सीन पता चलते ही बताऊंगा। कैसा सर, आज क्या करना है? पहले आप मुझे समझाइए। श्रुति, आसान ऑडिशन है, कल तुमने प्यार का इजहार किया, आज हीरो प्यार का इजहार करेगा, यही कहानी है ना सर? ओ, रात को जो सुनाया था उसे क्यों बदला? बिना मुझसे पूछे सीन मत बदला करो, नहीं तो ये क्या जूनियर आर्टिस्ट भी काम नहीं करेगा। सीन कैसे शुरू होगा? कल की तरह फिर से भागना है हीरो के पीछे? क्या बात है, तुम्हें तो अंदरूनी ज्ञान है, मेरे बोलने से पहले ही जान गई। लो हीरो आ गया, तुम भागते हुए उसके पास जाओ और गाते हुए वापस आओ। ठीक है। चप्पल चोरी करेगी। जनाब, क्या सोचा था और क्या पाया, इस कौवे के गले में मोती का हार चढ़ा दिया। अगर ये कमजोर 10 जन्म भी लेगा ना, तब भी उसे इस जैसी हूर नहीं मिलेगी। वाह वाह वाह,
ऐसे लंगूर के हाथ में आपने इतना मीठा अंगूर क्यों दे दिया? मैं कैसी लग रही हूँ? खूबसूरत, कल तुमने जो कहा वो सुन के मेरी रातों की नींद उड़ गई। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। तो कह दो ना। I love you. अरे सुनो तो। ऐसा क्या कह दिया? मैंने उसे अपने दिल का इजहार किया तो सुन के भाग गई। भागी नहीं है, शर्मा गई है। शर्मा गई? और क्या, अगर बिना कुछ कहे ऐसे शर्मा के भाग गई है तो समझ लो उसकी भी हाँ है। मतलब टाका भिड़ गया। मेरी अदाकारी कैसी लगी? कैसे बताओ, तू तो पीट करके खड़ी थी ना। वैसे तुम्हारी अदाकारी थर्ड ग्रेड थी। हीरो इतना थर्ड ग्रेड हो तो क्या कर सकते हैं? क्या कहा? ये लंगूर मेरा हीरो कैसे बन सकता है? तो क्या तुम्हारे लिए टॉम क्रूज लेकर आऊं? टॉम क्रूज ना सही, पर राम में क्या कमी है, उसे हीरो बनाइए। क्या अदा है, क्या दिखता है, मर्दाना है। काश ये मेरा सच में बॉयफ्रेंड होता। ओ, दिल के तार बोल उठे। हेलो। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। क्या हुआ? दिमाग काम नहीं कर रहा, कहीं चैन नहीं मिल रहा। अगर वो नहीं मिली तो मैं सुसाइड कर लूंगा। मरे तुम्हारे दुश्मन भैया, आप तो ऐश करो। हाँ। अंदर आ जाओ। क्या चाहिए? नमस्ते सर। कोई गुमशुदा है सर, उसकी कंप्लेंट लिखानी है, पिछले 10 दिनों से गायब है। उसकी कोई तस्वीर लाया है? लाया ना सर। इसे गुमशुदा हुए कितने दिन हो गए? लगभग 10 दिन। दिमाग खराब हो गया क्या? ये तो पहले ही, तू जा मत, मैं अभी आया। बोल इंस्पेक्टर। हमने 10 महीने पहले 2 प्रेमियों को मार दिया था, दीपाली और अर्जुन। तो ये कहानी फिर क्यों सुना रहा है? दीपाली का कोई दोस्त पुलिस स्टेशन आया है, कह रहा है कि वो 10 दिनों से गुमशुदा है। ये कैसे मुमकिन है? उसे रोक के रख, वो भागने ना पाए, मुझे उससे मिलना है। ए! रुक जा। अरे कहा रुक जा, अरे रुक बे। बाजू हटो, बाजू हटो। लाश को जल्दी नीचे उतारो। तुम सब यहां थे क्या? किसी ने ये खून होते नहीं देखा? सब चुप क्यों हैं? यहां सब अंधे बहरे गूंगे हैं क्या? हटो, हटो, सब हट जाओ, मूव। तो बताओ क्या देखा तुमने? वही तो मैं बताने आया हूं। ए सुन, वही रुक। रुक। नाम क्या है बे तेरा? अर्जुन। अर्जुन, कुछ याद आया? आ, 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 आ,
क्या तुम्हें उसका चेहरा याद है? भूलने का सवाल ही नहीं उठता। उसके चार्ट इसको अंदर भेजो। कैसा दिखता था बताओ जल्दी। और उसकी बाई आंख को थोड़ा छोटा बना दीजिए। स्केच तैयार है सर। ये है वो? हाँ, इसी ने उसे मारा है। पूछताछ के लिए जब भी बुलाऊं तुम्हें आना पड़ेगा। जरूर आऊंगा। रुक जाओ। उसकी शक्ल इतने अच्छे से कैसे याद है तुम्हें? ये चेहरा मेरे जहन में छप गया है सर। मैंने उसे बहुत करीब से देखा है। बोले सीबी, यहां कैसे आना हुआ? इंस्पेक्टर भानु का खून हुआ है और जरूर इस खून से तुम्हारा भी कुछ लेना देना है। आजकल हर कोई मेरे साथ फोटो खिंचाता है सीबी। हाँ, तुम हो ही इतने मशहूर। और वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तू है जो दीपाली के पीछे पड़ा है। कौन है ये? मैं नहीं जानता। जानता था मैं? हाँ? जानता था कुछ ऐसा ही कहोगे तुम। ये रखो, तुम्हें इसकी जरूरत मुझसे ज्यादा है। भानु की तस्वीर के पीछे नंबर 2 लिखा है और देवा की तस्वीर के पीछे 1। अब तीसरे की बारी। सुनो, ये जो कोई भी है उसे मेरे सामने लाओ। अर्जुन किधर है? दिखाई नहीं देता क्या? मैं ही हूँ। मोचू, मैं अर्जुन के बारे में पूछ रहा हूँ बे। और मैं भी अर्जुन के बारे में ही कह रहा हूँ, मैं हूँ। एक नर सो बीमार। तूने उसके घर पे कब्जा क्यों किया? ये मेरा ही घर है, मैं मालिक हूँ। बंजर जमीन की तरह खाली पड़ा था, इसलिए कब्जा कर लिया। तुम सबकी कसम। पहचानता है इसे? पहली बार देख रहा हूँ। तो अकेला रहता है या कोई और भी है? अगर इसे बता दूं कि मैं कातिल के साथ रहता हूँ तो ये मेरी छिट्टी पिट्टी गुल कर देंगे। और कोई नहीं जनाब, मैं अकेला ही रहता हूँ। अकेली जान हूँ, जान की तलाश में हूँ। ये पानी कम चाय है। एसीबी को इसके बारे में जिसने खबर दी थी उसका पता लगाओ। भाई वो लड़का आ गया तो लेके आओ उसे। अब कौन सा बम फटेगा? मौत के मुंह में चल के आ गया। इनके आदमियों को मारने के बाद तू इनका ही खबरी बन गया है। अपने आप को जेम्स बॉन्ड और हमको ब्रूक बॉन्ड समझता है। मेरी जान तेरे हाथों में। कुछ काम था भाई। तुम्हें पूरा यकीन है कि यही वो आदमी है? बिल्कुल। इस आदमी की मुझसे कोई पुरानी दुश्मनी है। गब्बर से आप गब्बर का पता पूछ रहे हो? उसने इंस्पेक्टर से कुछ कहा था? कातिल मारते वक्त बोलते नहीं, बोलती बंद कर देते हैं। ए जोकर, चोंच बंद रख। नाक लाल है तो सच में परिंदा समझ लिया? अब इस काले सफेद को कलर में लाओ नहीं तो मैं चला। जल्दी बता क्या बोला था वो? वो आपकी आंखों में डर देखना चाहता है। वैसे वो बिल्कुल सही कह रहा था, क्योंकि मुझे लगता है उसने आपके होश उड़ा दिए। मुझे ये आदमी चाहिए। जब भी ये तुझे दोबारा दिखे मुझे फौरन फोन करके बताना। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे पकड़ूं या इसकी खबर दूं तो मुझे आपके साथ रहना होगा। वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि इसका अगला निशाना आप। क्या बोला?
मेरा मतलब उसका निशाना भाई। इसे भास्कर अवार्ड मिलना चाहिए। राम जी कहेंगे। जल्दी मिलते हैं भाई। जनाब मैंने भी इसे अपनी आंखों से देखा था। कहाँ देखा था? अभी इस तस्वीर में। ये सौदा तो मैं करके रहूंगा। भैया को फोन करता हूँ। संजू क्या है? वीरू भाई को जिस लड़की की तलाश मिल गई। कहाँ है वो? देख तेरे सामने। ए, जो लड़की मुझे पसंद आई भाई ने पहले से ही नजर डाल दी है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैं उसे पसंद करता हूं ये बात भैया को मालूम पड़ी मैं तो गया। और उन्हें मालूम ना पड़ा तो? आई मीन आप चाहे तो उनसे लड़की का जिक्र ही मत कीजिए। आप कुछ दिन आराम कीजिए। आपके भाई को मैं संभाल लूंगा। ए, तूने मेरी बहुत मदद की है। एहसान मंद हो। हेलो भाई, देवा का बंदा बोल रहा हूँ। हाँ बोल। मैंने आपको उस लड़की के बारे में बताने के लिए फोन किया था ना। उसका क्या? वो लड़की तो हाथ लग गई है पर आपका छोटा भाई उसके पीछे पड़ा है। ए, तुझे मालूम है तू किसके बारे में बोल रहा है? मैं जानता था आप यही कहेंगे। आप फोन रखिए मैं सबूत भेजता हूँ। शेरू, मुझे खबर मिली है कि आजकल तू किसी लड़की के चक्कर में है। किसी ने अफवाह फैलाई है। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। जाता हूँ। धोखे बाज। लगता है भैया को शक हो गया, वो मुझे मार डालेंगे। आप ऐसी डरपोक जैसी बातें करेंगे तो भैया लड़की ले जाएंगे। मेरे भाई के बारे में जानता क्या है तू? अगर आपकी जगह मैं होता तो क्या करता तू? अरे बोलना क्या करता तू? रास्ते से हटा देता है। क्या? कब तक अपने भाई के पीछे ऐसे दुम हिलाते फिरोगे? अगर मैं किसी के खौफ से अपने प्यार को भुला दूं तो फिर उस प्यार की क्या कीमत रह जाएगी? लेकिन अगर मैं उस वीरू को ही खत्म करूं तो एक तीर और दो निशान। पहला, मेरे दिल की धड़कन मेरी होगी और दूसरा वीरू भाई की कुर्सी। सॉरी, आज से शहर में राज होगा शेरू का। करना भैया। शेरू, अगर तू मुझे एक बार कहता कि तुझे मेरी माशूका पसंद है तो वो लड़की तो क्या, मैं तेरे लिए 10-10 कुर्बान कर देता। लेकिन तूने उसे पाने के लिए अपने भाई का कत्ल करने का सोचा। इंसान के दिमाग में जब कोई बात एक बार बैठ जाती है तो फिर वो कभी जाती नहीं। इससे पहले कि तू मुझे खत्म करे मैं तुझको ही खत्म कर दूंगा। भैया बोलो भाई। ले जाओ इसे यहाँ से। नहीं भैया, मुझे माफ कर दो, एक मौका दो मुझे भैया, भैया प्लीज एक मौका दो। सुनो। हाँ भाई। अगर मेरा मन बदल जाए और मैं फोन करके तुझे उसे छोड़ देने को कहूं तो तू ऐसा हरगिज मत करना। मेरा नाम देखते ही फोन काट देना। अब किसी भी हाल में वो जिंदा नहीं बचना चाहिए।
देवा का बंदा बोल रहा हूँ। मैंने कहा था ना आपका भाई लड़की के पीछे पड़ा है। हाँ तो बोल। अब तक बत्ती नहीं जली। मैं देवा का बंदा हूँ, देवा का बंदा हूँ, देवा का बंदा हूँ कह के मैंने ही देवा कुमार के ऊपर पहुंचाया है। अर्जुन, उस देवा को बिजली का झटका देके उसे खत्म किया, फिर बेईमान इंस्पेक्टर के गले में फंदा डालकर उसे भी लटका दिया। तेरे भाई को उसी लड़की के पीछे लगा दिया जिस पर तेरी नजर थी। तेरे लिए जाल बिछाता गया और तू उसमें फंसता गया। तेरे भाई को तेरे ही हाथों मरवाना भी मेरी ही एक चाल थी। मत तुझे चिल्ला मत, बंदूक से गोली निकल गई है। अब उसे रास्ते से हटा ले, कहीं निशाना ना बन जाए। नहीं, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं, शेरू, शेरू, शेरू! उठ, उठ मेरे बच्चे। जब हमारी नजरों के सामने हमारा कोई अपना मरता है तो बहुत दर्द होता है। जब हम उन्हें बचा नहीं पाते तब समझ आता है कि हम कितने लाचार हैं। उस वक्त कैसा महसूस होता है अब समझ में आ गया। दिल, अगर हिम्मत है तो सामने आ। मुझे तो सामने आना ही है, तुझे मारना जो है। अली सुन भाई, यही जगह बताई थी ना उसने। मैं आ गया हूँ भाई। मेरे बुलाने पे आया है, हो सकता है किसी काम आ जाए। उसकी तस्वीर सब में बांट दे और उसे ढूंढना शुरू कर। जी भाई, ये ले पकड़। सब आशिकों की ए, जरा एक ठुमका लगा के तो दिखा। राम कहाँ है? ये सब क्या चल रहा है? मुझे इसका जवाब दीजिए। बंद करो ये सब। तू जहां कहीं भी छिप कर बैठा हुआ है फौरन बाहर निकल। कहां है ये? तेरी वजह से मेरे भाई की जान गई, बाहर आ वरना इसे मरते हुए देख। सबको यहाँ से बाहर निकालो। वीरू भाई, वो बाकियों के साथ बाहर निकल गया। वीरू भाई, बाहर जाके पकड़ के लाओ उसे। चलो। हे, सामने क्यों नहीं आता? जाने दे उसे। याद है ना तेरी माशूका को कितनी बेदर्दी से मारा था? अगर तू बाहर नहीं आया तो इसको भी ऐसे ही मारूंगा। ऐसी गलती मत कर। कहाँ है तू? तेरे पीछे खड़ा। कहाँ पीछे? ए राम, वो यहीं कहीं है, ढूंढ उसे। मेरा नाम राम नहीं है, अर्जुन। इसका अगला निशाना आप हैं। तू अब तक जिंदा है। मेरा सिर्फ चेहरा बदल गया है, मेरा मकसद नहीं बदला। मेरे प्यार को मुझसे छीन कर बहुत बड़ी गलती की। मैंने तुझसे पहले ही कहा था उससे दूर रहना वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और तेरी बदकिस्मती थी कि मैं जिंदा बच गया। आ! 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 आ!
मुझे माफ करो, मैंने तुमसे झूठ। तुम माफी मत मांगो, बल्कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए मेरी जान बचाने के लिए। तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू, बाय। अब अगला नंबर किसका? वो अभी भी जिंदा है। कौन? वो राम मरा नहीं, जिंदा है। सुबह सुबह पी रखी है क्या? मेरी नजरों के सामने था वो। तुमने धर्मा को ये बात बताई? नहीं। और तो क्या मुहूर्त देख के बताओगे? फौरन बताओ उसको। धर्मा भाई, राम मरा नहीं, जिंदा है। ये कैसे मुमकिन है? मैं खुद भी नहीं जानता। उसका नामो निशान मिटा दो, नेस्तो नाबूद कर दो। समझो, हो गया। किसके कहने पे ये किया? कौन है तू और मुझसे क्या दुश्मनी है? अबे रुक!
ए, बता किसका आदमी है, किसने भेजा है तुझे, कौन है? बहुत ए! अब मुझे कौन मारना चाहता है और क्यों? इसकी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं थी, ये तो इस चेहरे के दुश्मन है। क्या है इस चेहरे का राज? कौन हो तुम? जिंदगी पर तुम्हारा कोई हक नहीं, मैंने तुम्हें नया जन्म दिया है। हेलो डॉक्टर सीमा। हाँ बोलो। मैं बोल रहा हूं, इस वक्त कहां? आपने एक बार भी मेरा हाल जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन मेरा फोन आते ही मुझसे मिलने के लिए इतनी दूर चली आई। मेरे चेहरे का राज क्या है? वो लोग मुझे मारना क्यों चाहते हैं? किसका चेहरा है ये? क्यों दिया ये मुझे? ये उस शख्स का चेहरा है जो लाखों की उम्मीद है। क्या नाम है उसका? कौन है वो? मेरा बेटा। मेरे जिगर का टुकड़ा राम। दोस्तों के हक के लिए लड़ने वाला, कुर्बान होने वाला। आएगा मजा। किराए के गुंडों को लाकर मेरे दोस्तों को मारा ना, अब लाना उन्हें। ये गुंडे कल भी तशरीफ लाए थे ना? हाँ वही है। इनकी जख्मों पर मरहम कौन लगाएगा? भाई इसने मुझे बहुत मारा। क्यों बे लफंगे, खुद को हीरो समझता है? अब क्या बताऊं, आपने मेरे दोस्तों को मारा और जाते जाते कुछ कह गए। क्या कहा था आपने? अबे ओ, मैं जो डायलॉग मारता हूँ मेरा राइटर लिखता है, दूसरी बार बोलने के लिए लिखवाना पड़ेगा। कल मैं यहाँ होता ना तो राइटर की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे वो डायलॉग था क्या? अल्ले लो, हीरो पंती पार्ट टू। ए, ये मेरा भाई है और इस कॉलेज में सिर्फ इसकी हुकूमत चलेगी। अगर आइंदा मेरे भाई को हाथ लगाया तो तेरा हाथ और तेरी गर्दन दोनों काट दूंगा। क्या बात कर रहे हैं? ये वार्निंग नहीं, धमकी है। धमकी? तुम्हें धमकी याद रहेगी ना? लिख के रखूंगा, गजनी मेरा बाप था, मैं नहीं है। फिर से बोलता हूँ। हाँ बोल ना। यहाँ जा। नहीं, ये मुझे फिर पीटेगा। वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं खड़ा हूँ ना यहाँ पर, जा। पार्टनर उसके थोबड़े पे 12 बजा के ही आना। भाई आपने क्या वार्निंग दी थी? इयररिंग? पता नहीं ये वार्निंग कहां से तेरे को। अल्ले लो, दूसरा नंबर आप ही जाओ। आ! 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 आ!
जरा वो धमकी फिर से याद दिलाना। मैं वो भूल गया, वो तो इनको अच्छे से याद है, बादाम से याददाश्त बढ़ती है ना, ये रोज 1 किलो खाते। बकवास बंद कर। तो क्या कम खाते हैं क्या? आप ही हैंडल करो ना। यहाँ आके तुमने मेरे दोस्त को मारा, ठीक है, लेकिन जाते जाते वो वार्निंग क्यों दी? मुझे वार्निंग पसंद नहीं। इंसान हूँ, इंसान से ही गलती होती है, माफ कर देना। मैंने जाने को कहा। देख क्या रहा है, अब इनको फोड़ेगा क्या? अरे भाई, I'm so sorry। आपने वार्निंग दी थी ना, क्या कहा था आपने? कुछ याद नहीं आ रहा। I'm sorry bro। ना वो सगे वाला है ना ये सगे वाला है, मैं तो 750 पढ़ने पर आया हूँ। मेरे को जाने दो, इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराऊंगा तभी तो मुझे पैसा मिलेगा। जा, फुर्सत में मिलेंगे। फुर्सत में काय को, मेरे पास टाइम ही नहीं है, कल गांव चला जाऊंगा खेती बाड़ी के लिए। ए, ए, उठना। ये अपना कॉलेज है तो यहाँ के झगड़े भी हम ही को सुलझाने हैं, बाहर का कोई हमें धमका नहीं सकता। कॉलेज में ही तो आजाद रहना सीखेंगे, अगर यहाँ भी दबके जिएंगे तो जिंदगी भर वही करते रहेंगे। मैंने कुछ गलत कहा? माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अरे कोई उठा, कॉफी दो। राम, रोज मुझे उठाने में तुम देर कर देते हो और इसी वजह से मैं हॉस्पिटल देर से पहुंचती हूँ। आपको कॉफी पिलाने के चक्कर में मैं स्कूल, ट्यूशन, कॉलेज कहीं टाइम पे नहीं पहुंचा। मेरा जन्म कॉफी बनाने के लिए हुआ है। क्या करूँ, तू इतनी अच्छी कॉफी बनाता है कि उसे पिए बगैर मेरा दिन शुरू नहीं होता। अरे कहाँ जा रहा है, इधर आ। मस्का मत मारिए, कॉफी लाता। क्या यार, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, कुछ खाने का दो। ये तो कच्चा है। नाश्ता खाने के लिए पहले नाश्ता बनाओ। इसको तो कच्चा चबाने का भी मन नहीं कर रहा है। क्या सुन रही हूँ, कल कॉलेज में तुम लोगों ने हाथापाई की? पर शुरुआत हम लोगों ने नहीं की थी, पूछ लो इसे। राम, कब तक इन कम अंकलों के साथ घूमते रहोगे? जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तुम्हारे पापा और मेरे इश्क को 3 साल हो गए थे। क्या ये इश्क और ये करेगा? अच्छा मजाक है आंटी। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, और इसका कभी दिखता नहीं, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। सही कह रहे हो, वो इसके बस का नहीं है। ये जनाब तो लड़कियों को देखते ही काफूर हो जाते हैं। ये मुस्कुराता भी नहीं है, इसलिए लड़कियां दूर से ही उड़नछू हो जाती हैं। चुप कर, तुम लोग कितना भी मजाक उड़ालो, मेरा बेटा जिस लड़की से प्यार करेगा वो कोहिनूर होगी। आप कौन, किससे मिलना है? हाय आंटी, मेरा नाम मंजू है। कौन आया मॉम? पहले मैं तो जान लूँ कौन है। आप ही डॉक्टर सीमा है ना? हाँ मैं ही हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ हाँ आओ ना। किसे ढूंढ रही हो? आपके चरण स्पर्श करती हूँ सासू माँ। है मॉम, कौन है? कोई लड़की मेरी बहू बनना चाहती है। हैं? बहू? मर गया, यानी वो यहाँ भी यहाँ पहुँची। हाय। तुम अपनी तो नहीं है डूब गई? अरे यार, दिन में चांद उतर के आया है, भरे दोपहर में चांदनी बिखर रही है कॉलेज में। आज ही इजहारे इश्क कर दूंगा इसे, जरा पीछे देखना अपनी भाभी को। अनगिनत बच्चे होंगे हमारे। ये तो मुझे पसंद आ गई, इसे दूर हटाना पड़ेगा। लाल दुपट्टे वाली इतनी बुरी नहीं है, है? लाल दुपट्टा? अरे सफेद टी शर्ट वाली, तेरी आंखें हैं या बटन, कितनी हसीन है। क्या हुआ, तेरा कोई स्टैंडर्ड है या नहीं? क्यों भाभी पसंद नहीं आई? अरे तू राजा भोज है और वो गंगू तेली। अरे अपने डोले देख और उसकी फिगर देख, अरे क्या रंग है तेरा, और वो देख कैसी बुझी हुई है, कहां तेरी बत्ती सी और कहां उसकी सुनहरी मुस्कान। तू मुझे जलील कर रहा है या उसकी तारीफ कर रहा है? तारीफ कर रहा हूँ, तेरे सामने उस लड़की का कोई क्लास ही नहीं है। ये बात है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं थोड़ा और वेट करूँ तो इससे भी एडवांस वर्जन मिल जाएगा मुझे। माफ करिएगा, बेटर लक नेक्स्ट जन्म। वो देखते ही मुझे पसंद आ गई थी तो। तू दोस्त नहीं दगाबाज है, मेरे ही ईंधन पे अपने इश्क की खिचड़ी पका ली। अबे अच्छा उल्लू बनाया। बहुत मजा आएगा। माफ करना यार, सिर्फ 2 ही टिकट्स मिली। लेकिन राम ध्यान से देख, हम लोग 4 हैं। सुनिए जनाब,
अगर आपको एतराज ना हो तो ये टिकट्स मैं ले लूं। आप जाके टिकट काउंटर से खरीदिए। बहुत हसीन है ये, दे दे भाई। शुक्रिया। दोस्तों को अच्छा उल्लू बनाया तूने। आज गोल्ड माइंड में से हम गोल्ड लूट करने आएंगे। फिल्म की तरह सुपर हिट चांस मैं मिस नहीं करना चाहता था। आंटी जी ने सही कहा था, हम तीनों कमा कर ली हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। सुनो, तुमने नाम क्या बताया? अंजू। अंजू? ओह, अंजुनाथ। राम, किसी अंजुनाथ का फोन है। अंजुनाथ का फोन है। अरे अंजुनाथ का फोन आया है। कौन है ये? किसी भी वक्त फोन करता रहता है। मॉम, वो अकेली अकेला रहता है ना शहर में, तो गुस्सा मत हो। मॉम, आप मुझसे बात कीजिए ना, गुस्सा क्यों है? क्यों ना हो, कोई अपनी माँ से ये सब छुपाता है? सोचा था आज ही बता दूंगा, पर ये आ गई। अच्छा सुन, तेरी माँ होने के नाते मुझे भी कुछ पूछना है, सोच कर जवाब देना। पूछिए। शादी के बाद तुम किसकी तरफदारी ज्यादा करोगे, मेरी या इसकी? सच सच बताऊं मॉम, पता नहीं तरफदारी किसकी ज्यादा करूंगा, पर प्यार हमेशा आप ही से ज्यादा करूंगा। माँ को पटाना अच्छे से आता है। जिंदगी में बहुत कुछ हमारी मर्जी के बिना भी होता है, जिसे हम चाह कर भी रोक नहीं पाते। उस अखबार में छपी सुर्खी ने मेरी बेटी की जिंदगी को एक अलग ही रास्ते पर मोड़ दिया। पानीला, पी लो। शैतान बना संत। वाह 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 वाह, बड़ा प्यार लुटाया जा रहा है बेटी पर। मैंने पहले ही कहा था ना कि ये जमीन खाली करवाना सरकार के भी बस की बात नहीं है, पर तुमने वादा किया था कि तुम करवा लोगे, तो अब तक वादा पूरा क्यों नहीं किया? और ऊपर से ये मुझे लालच दिए चले जा रहा है। हे, आपका 50%, मेरा 50%, और ये खबर छप गई अखबार में और फैल गया रायता। मुझे तो लगा था कि तुमने जमीन कब्जा करके उस पर बाउंड्री भी बना दी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ऊपर से उस पत्रकार ने तो मामला ही बिगाड़ दिया। सब खत्म। मीनाक्षी को अंदर लेकर जाओ। किसके सामने क्या बोलना है, लगता है इसकी तमीज खो चुके हो। मेरी इस खामोशी को कमजोरी मत समझो, क्योंकि मेरा ये रुतबा किसी पैसे किसी मिनिस्टर की वजह से नहीं, खौफ से है। और यहां हर एक इंसान मुझसे डरता है, क्योंकि मेरे खौफ से बढ़कर कुछ नहीं। और जहां तक उन सुर्खियों का सवाल है, तो जंगल में शेर अक्सर अपने शिकार को छोड़ देता है, लेकिन वक्त आने पर उसी को फाड़ के खा जाता है। शिकार के नसीब में सिर्फ मौत लिखी होती है। वो पत्रकार भी उसी बस्ती में रहता है। सुन भूखा। हुकुम भाई, उसे अपने लोगों के सामने ही मार दो। ए रुक, काटा ले सेट। ए रुक, ए रुक, ए पकड़ तो। ए तेरे तो। तू अंदर जा बेटा, आप अंदर जाइए। मैंने कहा ना तू अंदर जा। कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे ये तुम लोगों के लिए कुर्बानी दे रहा है, और तुम इस मासूम को छोड़ के जा रहे हो। इसे गौर से देखो, देखो ये कैसे तड़प तड़प के मर रहा है। धर्मा के खिलाफ जो जाएगा उसका यही अंजाम होगा, समझ लो। अगली बारी तुम्हारी हो सकती है। बेटा एक चाय लेकर आओ। हाँ हाँ ठीक है, लाता हूँ। इतनी भीड़।
राम, होश में आ, होश में आ। ये धर्म का आदमी है, तुम दखल मत दो बड़ा। एक आदमी मर रहा है। छोड़ो मुझे, मेरी बात सुनो। भाई उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए भाई, वो इस बस्ती में नहीं रहता, वो धर्म के बारे में नहीं जानता। मैं उससे कहूंगा इस सबसे दूर रहे। पापा, पापा, राम तू निकल यहाँ से, निकल प्लीज, तुम दोनों से लेकर जाओ यहाँ से। पापा उठो ना, तू रुकेगा तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी, जा यहाँ से। पापा, राम यहाँ क्यों खड़ा है, जाना यहाँ से। उठो ना पापा, प्लीज जाना, जा। तू परेशान लग रहा है, सब ठीक है ना? कल बीच बाजार किसी का कत्ल हो रहा था, कोई उसे बचाने आगे क्यों नहीं आया? मालूम है यह कत्ल किसने करवाया? धर्मा ने। उस पे पुलिस भी हाथ नहीं डालती, उस पे उंगली उठाने वाले का गला काट देता है। उसके मंसूबों के बीच जो कोई भी शख्स आता है सीधा कब्र में दफन होता है। अच्छा, तुझे लाइफ में क्या करना है? सियासत? मुझे नेता बनना है। नेता? एक दो कौड़ी के गुंडे के सामने तू थर थर कांपता है और तुझे नेता बनना है? नेता खौफ में जिंदा नहीं रहता, वो खौफ दूर करता है। पहले ऐसा कर फिर नेता बनना। अब चला के देखो। तुमने वादा किया था आज पापा से मिलोगे, भूल गए ना? ओ, याद आया। नमस्ते। आप? मैं राम की माँ। ओ, आई 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 आई। शुक्रिया। बैठिए ना। अंजू से मैंने राम के बारे में सुना है। उसी बारे में बात करने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। कैसी बात? फिक्र मत कीजिए, अगर आपने उसके मिजाज को समझ लिया तो ठीक है, आपको कोई सदमा नहीं लगेगा। वरना क्या होगा? तो हो सकता है आपको अस्पताल का रास्ता देखना पड़े। क्या? वो जब समझदारी की बातें करता है तो लोग उसे पागल समझते हैं, और अगर सच्ची बात करता है तो लोगों को गुस्सा आता है। वो क्या है ना कि उसमें सब्र नहीं है, जो दिल में है कह देता है। और गुस्सा आया तो? लोग सह नहीं पाते, कई बार तो बेकाबू हो जाता है। बुरी बातें तो बता दी, कोई खूबियां है या नहीं? हाँ, वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखेगा। ऐसा शादी के पहले कैसे कह सकती हैं आप? अगर आपने यही बात उससे पूछी तो वो लिहाज नहीं करेगा। हाँ? मैंने आपको जो कुछ बताया बेहतर है याद रखें आप। अरे अंजू, यहाँ वहाँ की बातें करके वक्त बर्बाद मत करना, सीधा शादी की बात करना, ठीक है? तुम्हारा ध्यान कहाँ? अब सासू माँ आप यहाँ कब आए? इतनी जल्दी? तुम्हारे पापा से इसकी तारीफें कर रही थी। मतलब पापा को सब पता चल गया? मेरी बेइज्जती की होगी। मॉम, आपने मेरी पोल खोल दी क्या? सब कुछ बुरा कहा या कुछ अच्छा भी कहा? इन्होंने तो सिर्फ तुम्हारी तारीफें की है। अंकल, मेरी मॉम ने क्या अच्छाइयां बताई हैं जरूरी नहीं, बस आपकी राय मेरे लिए मायने रखती है। मुझे पूरा यकीन है तुम अंजू को जरूर खुश रखोगे। जो इंसान अपनी माँ की इतनी इज्जत करता हो वो अपनी बीवी को भी उतनी ही इज्जत देगा। बेटा यहाँ हूँ, इसको मैंने बड़े नाजों से पाला है और उम्मीद है कि तुम इसका ख्याल रखोगे मेरी तरह। बिल्कुल। अरे ओ बुड्ढे, इधर आ। इस बस्ती में 18 साल से ऊपर जितने भी लोग रहते हैं इसमें उनके दस्तखत लेकर आ। ये पूरा इलाका धर्मा भाई को चाहिए। इन कागजों में ये लिखा है कि तुम लोग ये इलाका धर्मा भाई के नाम कर रहे हो, वो भी अपनी मर्जी से। भाई, कुछ ही हफ्तों में मेरी बेटी की शादी है,
अगर घर नहीं होगा तो ये रिश्ता टूट जाएगा। अच्छा, तो फिर एक काम कर, अपनी बेटी को मेरे पास भेज दे, शादी की क्या जरूरत है। बोल कब भेज रहा है, जल्दी बोल। और किसी को परेशानी है दस्तखत करने में? सिर्फ 2 दिन की मोहलत है तेरे पास, इन 2 दिनों में सबके दस्तखत हो जाने चाहिए, ना हुए तो तुम्हारे अंगूठे से खुद थप्पा लगा दूंगा। धर्मा जो कहता है करो, अगर जान है तो ही जहान है। आओ। यहाँ क्या हुआ पापा? यहाँ दस्तखत कर दे। दस्तखत कर दूँ? पर किस लिए? भूखा यहाँ आया था, हमें 1 महीने में ये जगह खाली करनी पड़ेगी। खाली कर दे 1 महीने में? पर ये तो हमारे हक की जमीन है, मेरा पूरा बचपन इस बस्ती में बीता है, कड़ी मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ के आपने सब कुछ बनाया, अब इतनी आसानी से ये जगह आप धर्मा को दे देंगे? अगर ये बस्ती नहीं रही तो हमारा क्या होगा राम? अब क्या होगा हमारा? अब रो के क्या मिलेगा? कॉलेज में कोई ना इंसाफी करता तो तुझे गुस्सा आता था, आज वही तेरे साथ हुआ, लेकिन आंसू बहाने के अलावा तो कुछ नहीं कर सकता, ऐसी क्या मजबूरी है? देख यहाँ कितनी भीड़ है, क्या कर लेगा वो, बुला। उसका मुकाबला कैसे करेंगे? नहीं किया तो जिंदा लाश बने फिरोगे। तुम्हें लगता है तुम जिंदा हो पर उसके पैरों तले दबकर न जाने कितनी बार मरते हो। रुक जा राम, इन्हें भड़का मत, कॉलेज में और इस बस्ती में बहुत फर्क है, ये धर्मा का इलाका है। यहाँ उसका नाम लिखा है हा? लोगों का हक मार रहा है ना, अगर इन्हीं लोगों ने ठान लिया तो उसे रोक नहीं सकते। बेटा, ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल, हम गरीब लोग उससे मुकाबला नहीं कर सकते, हमारी किस्मत में ही ऐसे मरमर के जीना लिखा। इससे अच्छा तो मर ही जाते हैं। मैं दस्तखत नहीं करने वाला, इसकी सोच बिल्कुल सही है, हम सब इतने सारे हैं, उस एक का मुकाबला नहीं कर सकते। आखिर तू किससे मुकाबला करेगा हा? उस मासूम के बाप को बेरहमी से मार डाला उसने, कहता है मुकाबला करेगा, भाग्यवान इसे अंदर ले जाओ। चला जा। बेटा तू अपने घर जा, हम अपनी मुश्किलें खुद ही सुलझा लेंगे, जाओ। साहब, 25 एकड़ की जमीन में हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बन जाने के बाद उसका नजारा कुछ ऐसा होगा, 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, 3,000 एकड़ का बिल्ट अप एरिया, आप रातों रात माला माल हो जाएंगे। भाई बस्ती से कोई लड़का आपसे मिलने आया है, ए आजा। आपका हुक्म था कि 1 महीने में बस्ती खाली कर दी जाए, अगर हम बस्ती खाली कर देंगे तो हम बेघर हो जाएंगे। तो मैं क्या करूं? अपनी ये जिद छोड़ दीजिए, हम पर रहम कीजिए। दफा हो जाओ। नहीं खाली करूंगा मैं बस्ती, वो हमारे बाप दादाओं की जमीन है, और वो हम तुम्हें क्यों दे? ओए! उस गेट से तुम तक पहुंचने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की थी, आज वो हिम्मत मैंने दिखाई है, आज मैं आया हूं, कल कोई और आएगा, तेरा मुकाबला करने के लिए यहाँ हजारों लोग होंगे, उस दिन तेरा गुरु टूट जाएगा। तूने बहुत पते की बात की लड़के, बगावत का एक भी छींटा अगर इस घर से बाहर गया तो आगे जाकर बागियों की बारिश होगी, और ऐसा कतई नहीं होगा। ए भुका!
जर्फ कहीं का क्या हिंखड़ी दिखा रहा था? मैं भी देखता हूँ कौन है वो माइका लाल जो इन दीवारों के अंदर आके इसकी लाश ले जाए। देखते हैं कौन मेरा निवाला बनेगा। देखा क्या हो गया, इसने धर्मा के खिलाफ आवाज उठाई थी, उसने इसकी जान ले ली और मेरे बेटे की लाश भी नहीं भेजी। उसकी माँ का बुरा हाल है। कितना बदनसीब बाप हूँ मैं, अंतिम समय पर चेहरा भी नहीं देख पाया। धर्मा कहाँ है? हे, देख राम, एक दोस्त तो खो चुके हैं, मैं तुझे खोना नहीं चाहता। मुझे धर्मा चाहिए। मेरे इस दोस्त को मारने की सजा दूंगा मैं तुझे। आज से पहले तू और मैं एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन आज के बाद मेरे बारे में सोचे बगैर तू सांस भी नहीं ले पाएगा। चाहूं तो तुझे अभी खत्म कर दूं, लेकिन मैं तुझे मारूंगा नहीं। पहले बस्ती वालों में तेरे डर को खत्म करूंगा। आज और अभी से वो बस्ती मेरी। धर्मा, 10, 20, 30, 40, 50, 60 चाहे जितने गुंडे भेज देना, कोई मेरे हाथों नहीं बचेगा।
दिन जो सामने से चलकर आ रहा था वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं था। भाई, दस्तखत किए हुए कागज बस्ती वालों ने जला दिए और ये सब उन्होंने उस लड़के के कहने पर किया है। क्या बकवास किया जा रहा है? उस अकेले में इतनी हिम्मत? खामोश, हर आग की शुरुआत एक छोटी चिंगारी से होती है। ये जो पूरी सल्तनत देख रहा है ना तू, इसे मैंने अकेले खड़ा किया था। मेरे खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो पाया और आज इस लड़के ने मुझे चुनौती दी। भाई, मुझे एक मौका और दो, उसका इलाज मैं करूंगा। ये तू ही है ना? एक बार मिलने पर उसने तेरी यह हालत बना दी है, और जब तू दूसरी बार मिलेगा ना तो खुद को भी नहीं पहचान पाएगा। कभी दिमाग का भी इस्तेमाल कर ले। धर्मा, लड़का बड़ा नीडर है, वो किसी से नहीं डरता। उसके किसी अपने को डरा दो तो मुमकिन है कि ये भी डर जाए। ये दवाइयां टाइम से ले। क्लिनिक तो बड़ा लंबा चौड़ा है भाई, और तुम्हारी हो रही अच्छी खासी कमाई, तो फिर तुम्हारा बेटा पंगा क्यों ले रहा है? पति से तो तुम्हारी हो चुकी है जुदाई, ले दे के बेटा बचा है तो उसे भी खोना चाहती हो माई? जरा सोचो, कल को तुम्हारे बेटे के साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो तुम तो अकेली रह जाओगी। उसे समझाओ, ज्यादा ना उड़े। मेरा बेटा बचपन में बड़ी शैतानियां किया करता था। स्कूल के टीचर अक्सर मेरे पास शिकायत लेकर आते थे, जैसे तुम आए हो। क्या राम ने तुम लोगों की नाक में भी दम किया है? खामोश! इतना गुरूर? हाँ है गुरूर, मुझे मेरे बेटे पे गुरूर है। मुझे नहीं पता उसने तुम्हारे साथ क्या किया, लेकिन अगर वो ठान लेता है तो करके दिखाता है। बहुत जल्द तेरे बेटे को तेरे पति। खामोश! गलती से भी ये मत सोच लेना कि तुम मेरे बेटे का बाल भी बांका कर पाओगे। मैंने किसी गीदड़ को नहीं, एक शेर को पैदा किया है। निकलो यहां से। ये भी शेरनी है, कहीं पंजा ना मार दे। जी डॉक्टर। सर का बीपी चेक कर लो, इन्हें दवा की जरूरत है। अगर माँ भी बेटे की बोली बोल रही है तो फिर बाप कैसा रहा होगा? धर्मा, ये ऐसे नहीं मानेगा। ऐसा कुछ करो कि इसके होश ठिकाने आ जाएं। ये लो। क्या बात है? अरे बेटा, यहाँ पे हेलो। अरे चूसे, अभी तक गया नहीं बस्ती बचाने के लिए, पर वहां गया तो तेरी माँ को कौन बचाएगा? मॉम, बोल मेरे लल्ला। घबरा मत, तेरी माँ को मारा नहीं है। अगर उसे सही सलामत देखना चाहता है तो इसी वक्त घर आ। हेलो। सुना है तेरी जाने मन बड़ी तीखी कटारी है अंजू, तू उसे कैसे बचाएगा? लगता है अपनी माशुका से तुझे मोहब्बत नहीं। जरा सोच, अगर हमने मोहब्बत दिखाई तो कहां मुंह दिखाएगी वो। अब तक तो मेरे खौफनाक किस्से सिर्फ लोगों की कहानियों में सुने होंगे। अब तू भी मेरे खौफ को झेल, क्योंकि अब ये शेर शिकार करेगा। तेरे पास वक्त बहुत कम है, सोच ले किसको छोड़ेगा, किसको बचाएगा। छोड़ दो मुझे।
बोल। आप इस वक्त कहाँ हो? अरे बोल ना। वो राम आपके घर में घुस गया और आपकी बेटी के साथ खेल रहा है। बोलो भाई। उसको जाने दे बोक्का। क्या हुआ? अरे कहा ना उसको जाने दे अभी। हुक्म दीजिए भाई, जल्दी निकलो बस्ती छोड़ के, अभी के अभी वहां से निकलो। इसे रोक। बोलो भाई। उसकी माँ को छोड़ के निकल। क्यों, क्या हुआ? जैसा बोला वही कर। ठीक है। तुम्हारे होश क्यों उड़ गए? किसी की मौत हुई है क्या? होश उड़ गए या अभी और उड़ाना बाकी है? तेरी बेटी बहुत खुशनसीब है, जानती नहीं उसका बाप कैसा शैतान है। जब तेरे आदमी किसी का बाल बांका किए बगैर बस्ती से लौटेंगे, वो भी खाली हाथ, तब तू एक मजाक बनकर रह जाएगा, हर कोई हंसेगा तुझ पर। अब बस एक ही दांव बाकी है, बस्ती वालों का तुझे एकजुट होकर हराना। अबे सुन, वो बस्ती वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उनमें इतनी ताकत नहीं है। अब तू आ, उसी बस्ती में मिल, मैं तुझे बताऊंगा कौन है असली शेर और कौन गीदड़। दम है तो आ जा। आ गया तू? और क्या कहा था मुझसे? ये लोग मुझसे नहीं डरते? और अगर ऐसा है तो जरा मैं भी देखूं कौन माइकल लाल है जो मुझे यहां से भगाता है। है हिम्मत किसी में? छोटू सन, यहां बता, इसे देखकर क्या करने का मन कर रहा है? मेरा तो जी करता है इस शैतान का सर पत्थर मारकर फोड़ दूं। शाबाश, तू जितना हिम्मत वाला है उतना यहां कोई नहीं है। तू मेरे साथ चल, यहां इन बुजदिलों के बीच रहेगा तो तू भी बड़ा होकर इनके जैसा डरपोक बनेगा, और वैसे भी इन सबका जमीर मर चुका है। अगर डर डर के जीना सीख जाएगा तो जिंदगी भर ना इंसाफी सहेगा, अपने आप से तुझे घिन आएगी तो खुद से नफरत करेगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा। डर डर तुम पर हावी हो जाएगा। ये लोग तो भूल गए, जो इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए लड़ा उसे इन्हीं के सामने मार दिया, जो इनके घर बचाने आया उसे किसी ने नहीं बचाया। ऐसे ही डरोगे तो डराने वाले डराते ही रहेंगे। चंद किराए के टट्टुओं के दम पर ये तुम पर हुकूमत चला रहा है, लेकिन तुम सब मिलकर इसका मुकाबला करो तो? अगर अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या सीख दोगे? आज हिम्मत दिखाकर इस नाइंसाफी को रोकना ही होगा, क्योंकि तुम्हारा हक तुमसे कोई नहीं छीन सकता। बोल दिया, क्या भाषण था। चीटियां चाहे तो एकजुट होकर सांप को मार सकती है, घास फिरो के रस्सी बनाई जाती है, ऐसा कहानी में ही अच्छा लगता है, मगर शेर के सामने किसी की हिम्मत नहीं होती मुंह खोलने की। और यहाँ का शेर मैं हूँ, कोई नहीं आएगा, यहाँ सबके सब बुजदिल हैं। बुढ़े तेरी शामत आई, लगता है तेरे दिन भर गए। हाँ? चल वटाक, अब जाएगा या तेरे बेटे की तरह तेरी भी अर्थी यहीं सजाऊं। Oh!
चीटियां मिलकर सांप को मार सकती हैं, घास को पिरोकर मजबूत रस्सी बनाई जा सकती है, ये सिर्फ कहानियों में नहीं होता, हकीकत में भी होता है। आज तक जो खौफ इनकी आंखों में नजर आता था, आज तेरी आंखों में नजर आ रहा है। आइंदा यहां मत आना, आएगा तो दो पैरों पर, लेकिन जाएगा चार कंधों पर लेटकर। चल निकल। दफा हो, ये चल दफा हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ बेटा। आज तक वो हमारी कमजोरी का फायदा उठाता रहा, इतने सालों तक उसके खौफ में जीते रहे, और वो पापी हम पर जुल्म पे जुल्म करता रहा, लेकिन अब उसका जुल्म नहीं सहेंगे। मैं अपने बेटे के खून का बदला लेकर रहूंगा। वो जगह खाली करवाने का वादा किया था तुमने मुझसे, सौदा होने से पहले तुम्हें 100 करोड़ दिए थे। अगर ये काम तुम्हारे बस का नहीं है तो 2 दिन में मेरा पैसा सूद समेत चाहिए। खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान सब दे रहे हैं गुरु ज्ञान। तुम्हारी इज्जत तो गई मिट्टी में, तुम्हारे नाम से जिन लोगों की पैंट गीली हो जाती थी वही लोग आज तुम्हें लतिया रहे हैं। 25 सालों से मैंने यहाँ पर राज किया है। जो भी मेरे रास्ते में आया उसे कुचल दिया। लोगों के जहन में मैं अपना खौफ डालता गया और ऐसे ही धर्मा से धर्मा भाई बना मैं। पिछले 25 सालों में कोई भी मेरे खिलाफ खड़ा नहीं हो पाया और आज इस लड़के ने मुझे हिला कर रख दिया। ये तो मुझसे डरता ही नहीं है। इसको हटाऊं तो हटाऊं कैसे? कैसे हटाऊं? हे धर्मा, मालूम है उसमें और हम में फर्क क्या है? हमारी गुंडों की जो फौज है वो हमारी ताकत है, लेकिन अकेला वो खुद ताकत है बस्ती वाली। उसका जिंदा रहना हमारे लिए हमारी मौत की वजह बन जाएगा। अगर हमें अपना रावण राज कायम रखना है तो उस राम को मरना होगा। मार डालो उसे। खबर मिली है वो राम अपने दोस्त की शादी के लिए आज रात ही शहर से बाहर जा रहा है। तो ऐसा करो कि वो कल का सूरज ना देख पाए। खत्म कर दो उसे। बस उस तरफ आ रही है भाई। आ गई टट्टू की फौज। तू यहीं रुक, मैं देख क्या था। तुम्हारे खून को बहाने के बदले में धर्मा ने मुझे सियासत की कुर्सी देने का वादा किया, और कुर्सी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। Yeah!
नहीं। वार नहीं करते, यहां छाती पे वार करता है। चल मार मार। इसकी लाश को तोहफे में इसकी मां को दे दो। जब मैं तेरे पास आया था तब तो तू अपने बेटे की बड़ी तारीफ कर रही थी। अभी जी भर के देख ले, तेरे सामने बेजान लेटा हुआ है। याद आया तूने क्या कहा था कि वो शेर की औलाद है? तुम्हें यहाँ मेरे पास अस्पताल में लाया गया, तुम्हारा चेहरा पूरी तरह जल चुका था, तुम्हारी शक्ल बिगड़ चुकी थी, तुम्हारी अपनी कोई पहचान नहीं बची थी, इसीलिए मैंने अपने बेटे का चेहरा तुम्हें दे दिया। उन बस्ती वालों की अधूरी उम्मीद को पूरा करने का यही मौका था। अब इस अधूरी लड़ाई को तुम्हें पूरा करना है। मैं तुम्हें ये सब पहले बताना चाहती थी लेकिन तुम वहां थे ही नहीं। बेटा, मैंने हर जगह तुम्हारी तलाश की। राम की मौत के बाद क्या हुआ था? जाओ, जो सवाल तुम मुझसे पूछ रहे थे ना, उसका जवाब तुम्हें यहां मिल जाएगा। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र। मम्मा रुक क्यों गई? चलो। दादा देखो वो आ गया है। कौन है? राम भैया। Okay.
बेटा राम, तू आ गया। तुझे जिंदा देख के मुझे बहुत खुशी हुई बेटा। वो दरिंदे वापस आए थे। नहीं, छोड़ दे मुझे। उस दिन राम के कहने पर तूने इसी टांग से मेरी छाती पे लात मारी थी। हटो हटो, ये क्या तमाशा लगा रखा है? धर्मा के आदमी है। धर्मा का आदमी है तो तेरी आदमी उतारूं? उसने मेरी टांग काट दी और हम सबको डराया धमकाया, लेकिन वो बेईमान हमारी हिम्मत नहीं तोड़ सका जो तुमने हमें दी थी। तुमने सही कहा था, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज तुझे जिंदा देखकर बेटा हमारी ताकत दुगनी हो गई। ए, तुम लोगों को दी हुई मोहलत खत्म हो गई है। अभी के अभी बस्ती खाली नहीं की तो उस इंस्पेक्टर का हमने जो हश्र किया था वही हश्र तुम लोगों का भी होगा। खाली करो बस्ती। क्यों लंगड़े बुढ़े, दूसरी भी टांग कटवानी है क्या? बस्ती वालों को जो हौसला मेरे बेटे ने दिया उससे एक साल तक वो अपनी ताकत बनाए रहे। अगर आज वो जिंदा होता। वो जिंदा है। राम आपके सामने खड़ा है। अर्जुन जिंदा होकर भी पिछले एक साल में सबकी नजरों में मर चुका है, लेकिन जिस राम की एक साल पहले मौत हुई थी वो आज भी उस बस्ती के हर एक इंसान के दिल में जिंदा है। इसी को तो जीना कहते हैं। अगर मैं राम के आदर्शों पर खरा नहीं उतरा तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। मैं जीऊंगा, आपका राम बनकर जीऊंगा। मैं इस वक्त आई हूँ जनता की पार्टी की रैली में और मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी इस पार्टी के नए युवा प्रेसिडेंट शक्ति ठाकुर से। नेता बनने के लिए मैंने बहुत मशक्कत की है, जमीन आसमान एक कर दिया, तब जाके आवाम का यकीन जीता है और यह उसका जीता जागता सबूत। राजनीति में तो अक्सर लोग धोखा देकर ही आगे बढ़ते हैं। धोखेबाजी की उम्र बहुत कम होती है। मैं तो इंसाफ पसंद इंसान हूँ, इसलिए मैं भाई वो लौट आया है। अगर उसने ज़बान खोल दी तो मैं तो तबाह हो जाऊंगा। उसको खत्म कर दो। ये क्या सुन रहा हूं मैं? तेरा मरा हुआ बेटा वापस आ गया? तुमने उसे कत्ल किया था, खुद पर यकीन नहीं? ये मिनिस्टर कहता है कि वो जिंदा है, ये छोकरा भी वही बात करता है। वो अब तक जिंदा है ये जानकर डर लग रहा है? डर और मुझे? ये क्यों नहीं कहते कि सच जानकर तुम्हें तुम्हारी मौत नजर आ रही है? देखोगे तो अपनी जान कैसे बचाओगे? किसी बिल में छुपो, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हे, अगर वो जिंदा है तो इस बार ऐसी मौत मरेगा कि रूप ही कांप जाएगी। धर्मा भाई, वो आ गया है।
लेकिन जिंदा वापस नहीं जाएगा। तेरा मुकाबला करने के लिए यहां हजारों लोग होंगे, उस दिन तेरा गुरु टूट जाएगा। इन सब की लाशें यहां बिछनी चाहिए, कोई भी नहीं बचना चाहिए। आज तक ये हैवान आप पर जुल्म करता आया और आप उन्हें चुपचाप सहते आए हैं। आज हिम्मत जुटा और इसका साम्राज्य खत्म करो। मिटा दो इसका नामो निशान। मुझे माफ कर दो भाई। तुझे अगर अपनी कुर्सी प्यारी है तो किसी को फिर से दगा देना होगा। सियासी कुर्सी पे तभी बैठ पाएंगे जब हमारी सांसें चलती रहेंगी। न जाने क्यों तुझे देखते ही ऐसा लगा कि मेरी मौत सामने खड़ी है, लेकिन अकेला बिल्कुल नहीं मरूंगा, तू भी मरेगा मेरे साथ। अरे देख के मारना था ना। बस एक अधूरा काम और है जो मुझे करना है। अंजू अभी भी यकीन नहीं कर रही है कि राम इस दुनिया से चला गया है। वो राम को भूल जाए इसलिए मैंने उसे यहाँ से दूर भेज दिया।